अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है। इसे हुर्मत वाला महीना होने का एज़ाज़ भी हासिल है। वैसे तो इस मोतबर महीने के एज़ाज़ात की कई वजूहात और वाक़यात हैं, मगर इस माह अकदस की हुर्मत की सबसे अहम वजह सन 62 हिजरी में होने वाला अजीम और यादगार वाक़या है। 62 हिजरी मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीदियत के मुकाबले में शहादत का मुकाम हासिल किया और यजीदियत को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम का काफ़िला अपने मुख्तसर अहलो अयाल और साथियों के साथ 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुँचा, जिस मुकाम का आप अलैहिस्सलाम के काफ़िले और घर वालों ने हैमे लगाने के लिए इंतखाब किया था। इस मकाम के बाशिंदों से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस जगह का नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि यह करबला है। यह नाम सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले वालों से कहा कि इसी जगह पर अपने हैमे नस्ब कर दो, हमारे सफ़र की आखिरी मंजर यही जगह है। नाज़रीन, माजी के हालात में अगर जा कर देखा जाए तो नज़र आता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला का नाम सुनकर अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ रहा होगा कि एक दिन मेरा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जब हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को इलम हुआ कि इस जगह का नाम करबला है तो आपने इसी जगह पर क़याम करने का इरादा फरमाया। 3 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फ़ौज का सरबरा अमर बिन साद 4,000 सिपाही लेकर कोफा से करबला पहुंचा और कुछ दिन बाद 7 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया, क्योंकि यजीदी फ़ौज नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहतसिर मुजाहदीन ने इस्लाम की फ़ौज से जवां मर्दी से टकराने का हौसला नहीं रखती थी। लहजा उन्होंने बुजदिली का मुजाहरा करते हुए नहायत ही नीच हरकत की और काफ़िलाए हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी की फ़राहमी बंद कर दी थी। 9 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद का दस्ता जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफका के हैमों की तरफ पेशकदमी करने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को उस दस्ते की तरफ भेजा ताकि एक मरतबा फिर उनकी पेशकदमी की वजह मालूम की जा सके, और मज़ीद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को पैगाम देकर भेजा कि यजीदी फ़ौज से कहना कि हमें एक रात की मोहलत चाहिए ताकि हम नमाज के फ़राइज़ अदा कर सकें और बारगाह इलाही में सर वजूद हो सकें। यजीदी काफ़िले ने गुरूर में आकर आप अलैहिस्सलाम की बात मान ली और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काफ़िले समेत रात भर अल्लाह ताला की इबादत की। इब्ने साद के दस्ते के पीछे हटने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले को इकट्ठा किया, अल्लाह ताला की हमदोसना बयान करने के बाद फरमाया, ऐ काफ़िले वालों, अगर तुम में से कोई शख्स भी वापस जाना चाहे तो उसे मेरी तरफ से इजाज़त है, बेशक यजीदियत और कुफर की फ़ौज मेरे ही खून की प्यासी है। काफ़िले वालों ने अपने जज्बात का इजहार यूँ फरमाया, ऐ नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान भी कुर्बान है, हम इस कुफर का मुकाबला मुकम्मल जवां मर्दी से करेंगे और मैदान जंग से फरार इख्तियार नहीं करेंगे। अपने काफ़िले वालों के जज्बात सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर रात भर नवाफल अदा किए और बारगाह हुदा में दुआए मगफरत मांगी। अगली सुबह 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ तुलू हुआ और मुजाहदीन इस्लाम ने यजीदियत और कुफर का डट कर मुकाबला करने और अहद वफा को अपने खून के आखिरी कतरे तक निभाने का इरादा किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मुख्तसर और बाईमान इफराद के दस्ते को मुनज़्ज़म किया और जंग का अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को थमा दिया। जंग से कबल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह की नुसरत तलब की। दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम दुश्मन की सफ़ों की तरफ मतवज्जो हुए जो अभी अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ लोगो, जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुन लो, मुझ पर तुमको समझाने का जो हक है इसे पूरा कर लेने दो और मेरे आने की वजह भी सुन लो। अगर तुम मुझसे इत्तफाक़े राय करोगे और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तस्लीम कर लोगे तो तुम इंतहाई खुशबख्त कहलाओगे और अनकरीब अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन इसके बरअक्स अगर तुमने राह कुफर इख्तियार की तो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह बेहतर कारसाज है, वही अपने मुजाहदीन इस्लाम की मदद भी करता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए फरमाया, लोगो, तुम मेरे हसब व नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गिरेबान में झांक कर मालूम करो कि क्या तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तोहीन जेब देती है, क्या मैं तुम्हारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और इनके चचाजाद भाई
हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल भी याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे मरहूम भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बयान किया था कि ये दोनों जन्नत के सरदार होंगे? अगर तुम्हें मेरा बयान सच मालूम हो रहा है, जो कि बेशक सच है, तो बताओ क्या तुम्हें अभी भी मेरा मुकाबला करना है? लेकिन यजीदी फ़ौज और इनके सरदारान पर इस मुख्तसर बयान का कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ़ हुर बिन यजीद तमीमी पर इस बयान का असर हुआ और वो अपनी फ़ौज से ये कहते हुए आप अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हो गया कि ऐ मुनकरीने खुदा, ये जन्नत और दोजह का मामला है। बेशक मैंने जन्नत का इंतहाब कर लिया है, अब हवा मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या मुझे जला दिया जाए, कोई फ़िक्र नहीं। कुछ देर बाद जंग का बाकायदा आगाज़ हो गया और पहले एक एक करके मुकाबले हुए और शिद्दत प्यास के बावजूद अहले बैत का पलड़ा इस मार्के में भारी रहा। अपनी शिकस्त देखकर इब्ने साद ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए आम और फौरी हमले का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, अब्बा ईमान शख्सियात एक एक करके शहादत का अजीम रुतबा हासिल करने लगे, मगर किसी फ़र्द ने भी मैदान जंग से राह फरार हासिल न किया। दोपहर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेशतर साथी शहीद हो गए थे। अब बारी बारी अहले बैत मैदान जंग में उतरने लगे और फ़र्द ब फ़र्द शहादत का जाम नोश फरमाने लगे। जब अहले बैत से भी कोई ना बचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान जंग में उतरने की इजाज़त तलब की, मगर इमाम हुसैन ने उन्हें इजाज़त मरहमत ना फरमाई और ख़ुद मैदान जंग में उतर गए। नाज़रीन, इस मुकाबले में हुसैन अलैहिस्सलाम देर तक यजीदी लश्कर को जहन्नम वासिल करते रहे और अब यजीदी लश्कर में कहराम मच गया। हैदर कर्रार का ये फर्जंद जिस तरफ भी अल्लाह का नाम लेकर निकलता तो यजीदी फ़ौज का लश्कर खौफज़दा भेड़ों की तरह आगे आगे दौड़ने लगता। इस मार्के के दौरान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिद्दत प्यास सहत महसूस हुई और आप अलैहिस्सलाम ने प्यास को कम करने के लिए दरियाए फरात का रुख किया, मगर यजीदी लश्कर ने मज़ाहमत का इजहार करते हुए इस मौके का फ़ायदा उठाया और आप अलैहिस्सलाम का रास्ता बंद कर दिया। इस दौरान एक तीर आकर आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर लगा और चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। दिन के ज़्यादातर हिस्से में आप अलैहिस्सलाम ने तन तनहा यजीदी लश्कर का मुकाबला किया और फर्दे कुफर को जहन्नम वासिल किया। अब यजीदी लश्कर ने प्यास की शिद्दत का फ़ायदा उठाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया। लश्कर कुफर में कोई भी आप अलैहिस्सलाम पर तलवार चलाने का हौसला नहीं रखता था और ना ही इनकी शहादत का जुम्मादार बनना चाहता था। अब शिमर मलऊन ने अपने साथियों को भड़काना शुरू कर दिया और आप अलैहिस्सलाम के कत्ल पर अपने लानती दस्ते को उबारने लगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी लश्कर से कहा, एक दूसरे को मुझ पर तलवार चलाने के लिए क्यों भड़का रहे हो? खुदा की कसम, मेरे शहीद होने के बाद अल्लाह कभी भी इतना नाराज़ नहीं होगा जितना आज होगा। ये सुनकर यजीदी लश्कर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला आवर हो गया। ज़रा बिन तमीमी ने आप अलैहिस्सलाम के बाएं कंधे पर नेज़ा मारा, जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़खड़ा कर गिर पड़े। इसके बाद शिमर मलऊन आप अलैहिस्सलाम की जानब बढ़ा और सजदे की हालत में इसने आप अलैहिस्सलाम की गर्दन पर पीछे से हमला किया और नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सर तन से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अहले बैत के बकिया अफराद और ख़वातीन को कूफा पहुँचा दिया गया। यजीद साबहत इंसान इस हालत में भी अहले बैत से इंतहाई बदतमीज़ी से पेश आने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथी शहादत का जाम नोश करके इस जहान से दर पर्दा हो गए और उम्मत मुसलमान पर एहसान कर गए, और वो भी एहसान अजीम, जबकि यजीदी जीत कर भी हार गए और हमेशा के लिए मलऊन और लानती हो गए। अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनाएं और हमेशा इंसानियत की खिदमत करें और अल्लाह ताला की इबादत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सर्फ करें।